जय माता दी। एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल लोकेश सिंह ब्लॉग्स। तब तो ये करिश्मा देखेगा। पिछले भाग में आपने देखा अर्धकुंवारी से पैदल यात्रा करते हुए हम माता के भवन तक पहुँचे। वहाँ हम एक विशाल भवन देखते हैं जिसे मनोकामना भवन के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर आपको इस भवन में अपना आवास बुक करने के लिए कटरा कार्यालय या माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। और देखिए गाइस, हम पहुंच चुके हैं भवन में। अभी खड़े हैं हमें मनोकामना भवन के सामने, बिल्कुल जहाँ पर हमारे डोरमेट्री बुक है। टिकट हो जाएगी काहे की? नीचे उतरने की, जब थक गई ना वो तो नीचे उतरने के लिए। उसमें चलेंगे सुबह बैटरी कार में, तुम भी? हाँ सब उसमें चलेंगे। हाँ वहाँ से पैदल, मैं तो क्या आई हुई थी पैदल की। हाँ तो वहाँ से पैदल चलेंगे, ठीक है ना, नीचे तक डोरमेट्री में। देखो तक सुबह सो गई यार, देखते देखते कोई बात नहीं है। मैंने इसको इसलिए पहले भेज दिया था, सोए रहते सोए रहते। ये देखो, हाँ भाई हालत खराब हो गई। गुगल भाई तो सो गए, चलो इनका डोर मैटरी मिल गया, हम अपने कमरे में चल के सोएंगे। मम्मी जय माता की। बुआ सो रही है? जाग रही है। देविन से बात हो गई? नहीं ना, और एक बात ही ना हो पा रही है। व्हाट्सएप नेट कहाँ आ रहा है? नेटवर्क नहीं है ना इतना तो। घंटी पूरी में सब कुछ हो रहा है, इस बात है सेटिंग के लिए कट जाता है व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप इसमें वो होगा नहीं ना तुम्हारा भी? किधर को तुम्हारा कमरा? सागर रत्न से ऊपर चढ़ेंगे ना, ये जो है। हाँ ऊपर जो चढ़ते ना, जहाँ दुकानें हैं जो होटल की, उसी रास्ते पे ऊपर। 500 मीटर होगा, चलेंगे तो ऊपर ही खाना खाने जा। हमने जा रहे हैं। खाया तुम? हमने तो नहीं खा लिया ही नहीं। सबने? हाँ। तो हम रह गए। देखो हम पीछे रह गए ना, तो मम्मी ने देखो खाना खा लिया, हमें छोड़ दिया। कम्बल भी मंगा के अपने आराम से रजाई में डोर मैटरी में। हाँ सही है। मनोकामना भवन में थोड़ा आराम करने के बाद हम करीब रात को 11:30 बजे माता के दर्शन करने के लिए चल गए। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब दर्शन के लिए चलो तो आपके पास कोई भी चमड़े की वस्तु, पर्स, बेल्ट, मोबाइल, कैमरा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग मुख्य गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के लिए दो गुफा बनी हुई हैं, एक कृत्रिम गुफा और एक प्राचीन गुफा। इस प्राचीन गुफा को आमतौर पर बंद रखा जाता है, लेकिन कुछ किस्मत वालों को इस गुफा में प्रवेश का सौभाग्य मिल जाता है और माता रानी की कृपा से प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ। मेरा बसेरा, धड़कन मेरी पुकारे, बस एक नाम। इस वक्त हम मौजूद हैं वैष्णवी भवन में। और अगली सुबह उठकर हम रोप वे के द्वारा भैरवनाथ मंदिर की ओर चल दिए। धार्मिक मान्यता है कि माँ वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भक्त भैरव घाटी जाकर मंदिर में भैरव बाबा के दर्शन ना कर लें। रोपवे के टिकट की बात करें तो टिकट की कीमत 100 रुपये प्रति व्यक्ति है। साथ ही इस केबल कार में एक बार में 40 से 45 यात्री सफ़र कर सकते हैं। वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले यात्री भले ही रात के वक्त भी यात्रा करते हों, लेकिन रोपवे की यह सुविधा सिर्फ दिन के वक्त ही मिल पाएगी।
मेरी छोटा वाली, माँ मेरी छोटा वाली, माँ मेरी छोटा वाली। चलो आगे, चलो बाबा के साथ साथ चलो, आ जाओ। आजा हाथ नहीं पकड़ने। हाथ में लिए दौड़ना, नगर बस्ते छीना है। बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद हम सब पैदल यात्रा करते हुए कटरा के लिए चल दिए। ये लाइन यहाँ पर जो है, यहाँ पर किस चीज की लाइन लगी हुई है? ये है बैटरी कार की। बैटरी कार की है, इतनी लंबी लाइन? हाँ, इतनी। तो कितने बजे काउंटर, कितने बजे खुलेगा काउंटर? खुलेगा और 236 रुपए की टिकट है एक अभी। 236 रुपए का एक टिकट है पर पर्सन, 236 रुपए। तो बच्चों का भी लगेगा इसमें? 5 साल से ऊपर के बच्चे का टिकट लगता है। 5 साल से ऊपर के बच्चे का टिकट लगेगा इसके अंदर। इनके नहीं बजे बिस्किट चुपट हैं? क्यों वो ना बंदर लेंगे, वो तेले की बंदर खा जाएंगे। चलो चलो चलते रहो, सीधे चलते रहो। चलो 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 तानी, जय माता की, तब से चलो। दर्शन करके माता के आ चुके हैं और देखिए यहाँ पर अभी क्या क्या कर रहे हैं। अब इनका चल रहा है नाश्ता सुबह का, ये देखो। ये क्या है बुआ, क्या खा रहे हो? ये चावल है और ये मिक्स बोरा है, मिक्स बोरा। सब कुछ वगैरह वगैरह बता रहा हूँ। मिल्क फूड का 80 रुपए किलो का, 90 का, वो 500 रुपए। 500 रुपए? 500 तो है भी नहीं, अब तो 1000 रुपए है। नहीं ये 500 वाला है। 500 वाला है, एक जीरा हटा दो, मतलब 50 रुपए किलो का नया घी आया इनका। अब वो मीठा तो खा नहीं सकते, इसलिए चावल मिला के खा। अच्छा
मम्मी अपना सामान संभाल लिए सारा। आप अंदर जाओ ना, अंदर जाओ, अंदर जाओ, आराम से देखो। ले एक सेट भाई, थोड़ा छोटा दिखा दो, छोटा से छोटे के साइज आ जाएगा। चलो गोलगप्पे कैसे हैं? देखिए अब हम चल रहे हैं यहाँ से माता के दरबार से, जो है अब हम चल रहे हैं अब घर के लिए। और हम पहुँच चुके हैं अभी स्टेशन पर। और देखिए सब कैसे तितर बितर से हो रखे हैं, कोई अपना सामान इधर ढूंढ रहा है, कोई इधर, सब अपना अपना सामान लेके बैठे हुए हैं। अगर आपको हमारी वैष्णो देवी यात्रा का यह ब्लॉग पसंद आया हो और आपको लगता है कि यह ब्लॉग जानकारीपूर्ण है तो कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। जय माता दी।